नाम सोहेल अहमद है जिसका हत्या हुआ है। यहाँ से 5 लोग ले के गए हैं, रमजान, आबिद अली और एहसान, मुल्ले सलाम और 5 थे। उनका नाम अभी नहीं आ रहा, हम सबको जानते हैं, पहचानते हैं। यहाँ से ले के गए हैं और हम अपने भाई से पूछे हैं कहाँ जा रहे हो आप, बोले हम जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ले के गए हैं, वापस नहीं आए। फिर उसके बाद हमने ढूंढा, नहीं आए तो मैं ढूंढा, फिर मैं पुलिस को सूचना किया, पुलिस आश्वासन दिया कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मगर पुलिस कोई काम नहीं किया है। और हम लोग मिल के पूरा गाँव, यहाँ हमारे खानदान के जुट के सब ढूंढ रहे थे, हम लोग नहीं पाए। फिर सुबह में उसकी लाश मिली, फिर पुलिस वाले आए थे, SO आए थे, उसको पंचनामा किए थे, लाश देखे, देख के गए थे, बोले कि आप, मैं सब लिख रहा हूँ, हम रिपोर्ट लिखेंगे, आप पोस्टमार्टम करवा के आप उसको दफन करवा दीजिए, हम FIR लिख लेंगे। अभी तक मेरा FIR लिखा नहीं गया। जिन लोगों का आपने नाम लिया है उन पे आपका शक क्यों जा रहा है? शक जा रहा है, वो 307 का केस था, वो लोग धमकी दे रहे थे मारने के लिए, वो लोग चारों तरफ घर की तरफ देख रहे थे, मौका पा गए, वो उठा के लेके चले गए, वो साथ में थे, वो रमजान था, रमजान पैसा का लेन देन था और रमजान के साथ में ये लोग मिले थे और रमजान के साथ में वो गए थे पैसे लेने के लिए रमजान से, रमजान ने वादा किया था मगर रमजान ने पैसा नहीं दिया, इन लोग के साथ मिल के उसका हत्या कर दिए। अब यही मांग करते हैं, हमको इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, हमको थाना से इंसाफ कोई नहीं मिला, FIR तक नहीं लिखे, तहरीर हम ले के गए थे, तहरीर वापस कर दिए, नहीं लिए। तो आप आला अधिकारी तक गए इस हिसाब ने और बताया ऊपर जाकर? अभी हम नहीं गए हैं, CO को फ़ोन किए, CO को फ़ोन किए थे तो अभी तक कोई जवाब नहीं मिला CO से।